हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा चौहान, योर इंग्लिश टीचर। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6, जिसमें हमने टेंस के बारे में पढ़ा था। और लास्ट वीडियो में मैंने टेंस कंप्लीट करा दिए थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फ्यूचर तक कंप्लीट करा दिए थे। आज हम पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट। टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ईच सेंटेंस। ठीक है, तो हमें जो करेक्ट फॉर्म होगी वर्ब की उस पर टिक करना है, और इन सेंटेंस को हमें ऑब्लिक दे रखे हैं, दो ऑप्शन दे रहे हैं, उनमें से हमें करेक्ट फॉर्म को टिक करना है वर्ब की। तो फर्स्ट है आई एम वेकिंग, या फिर हैव वेकिंग, हैव बीन वेकिंग ऑल नाइट। देखिए, ऑल नाइट आ गया तो काम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हैव बीन वेकिंग, पेटिक लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है द पेरेंट्स डैश देयर किड्स फॉर प्रेयर। तो वॉज तो आएगा नहीं, वॉज आएगा तो उसके साथ कोई वर्ब आनी चाहिए, तो कॉल्ड पे टिक लगाएंगे। कॉल्ड द पेरेंट्स कॉल्ड देयर किड्स फॉर प्रेयर। ठीक है, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। नेक्स्ट है आई विश माय ब्रदर डैश हियर। देखिए, जब विश आता है, जब हम सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए, तो उसमें हम वर लेते हैं। आई विश माई ब्रदर वर हेयर। ठीक है, माई ब्रदर वर हेयर, वॉज नहीं लेते हैं, वर ही आता है। ठीक है, अमित डैश लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर की बात है, यानी पास्ट की बात होगी, तो पास्ट इनडेफिनिट में बनाएंगे इसको, तो आएगा फेल्ड। सी डैश स्टडी प्रॉपरली। तो आर तो आएगा नहीं, आर कब आता है, या तो बिना काम वाला वाक्य हो, या फिर आईएनजी फॉर्म हो वर्ब की, तो यहाँ पे है ही नहीं ऐसा, तो हम लगाएंगे दे डू नॉट स्टडी प्रॉपरली। ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे डैश द स्टेशन। देखिए, ये हो गया पास्ट परफेक्ट का टेंस, जिसमें बिफोर आता है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट में, तो ये वाला बाद वाला वाक्य किस में बनेगा, पास्ट इनडेफिनिट में, तो इसमें आएगा रीच्ड, दे रीच्ड द स्टेशन। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 7, रमन डैश टू दिल्ली यस्टरडे। अब यस्टरडे की बात है, यानी पास्ट की बात हो गई, तो हम यहाँ पे वेंट लगाएंगे। अगर हैव होता तब तो एक बार को सोचते भी, रमन के, सॉरी, हैज़ गॉन तो आएगा नहीं, क्योंकि यस्टरडे की बात है ना, इसमें वेंट लेंगे। यू डैश टोल्ड मी ए स्टोरी जस्ट नाउ। अब यू के साथ तो हैव आता है, तो हैव तो है नहीं, तो हम यहाँ टोल्ड लेंगे। यू टोल्ड मी ए स्टोरी जस्ट नाउ। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर सैम डैश टू सी मी। तो यहाँ पे देखिए, फिर बिफोर आ गया, तो पास्ट परफेक्ट का टेंस हो गया। पास्ट परफेक्ट में जब पहले वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में हो, तो दूसरा वाला वाक्य जो होता है, दूसरा वाला सेंटेंस किस में लेते हैं हम, पास्ट इनडेफिनिट में। इसमें आएगा सैम केम टू सी मी। ओके, नेक्स्ट यू डैश टू सी द सिनेमा लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट की बात है, यानी पास्ट की बात हो गई, तो वेंट आएगा इसमें, हैड गॉन नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट वी शैल सर्व यू इफ यू। अब यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस में इफ आ गया, तो ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे जब शैल आया है, तो ये वाला वाक्य, ये वाला जो सेंटेंस होगा, वो प्रेजेंट इनडेफिनिट में बनेगा, तो ये आएगा यू कम, फ्यूचर में नहीं बनेगा। ठीक है, बाय दिस टाइम टुमोरो आई शैल हैव रीच्ड होम। कल इस समय तक मैं घर पहुँच चुका होऊंगा, तो यहाँ पे शैल हैव रीच्ड, चुका होगा के लिए क्या लगता है, शैल हैव लगता है ना, ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस हो गया। ही फेल्ट डैट आई डैश रिजाइन माई पोस्ट, तो यहाँ आएगा शुड। ही फेल्ट डैट आई शुड रिजाइन माई पोस्ट। कोलंबस डैश अमेरिका। अब देखिए, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, तो अभी हाल ही में की थी, या बहुत टाइम हो गया, पास्ट की बात हो गई ना, तो लिखेंगे डिस्कवर्ड। ओके, वी डैश हेयर फॉर ए मंथ। अब यहाँ पे फॉर ए मंथ आ गया, फॉर और सिंस किस में आते हैं,
परफेक्ट कंटिन्यूस वाले में तो परफेक्ट कंटिन्यूस बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा हैव बीन लिविंग, वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर ए मंथ। ओके ये होगा सेंटेंस, आपके ये वाले कंप्लीट हो गए हैं। आप सेकंड देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। ठीक है, हमें करेक्ट फॉर्म फिल करनी है इसमें। हमने सेंटेंस पढ़ चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसमें जो फिल करना है हमें करेक्ट फॉर्म फिल करनी है किसकी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाना है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हमने कल पढ़ा था विल हैव वीन होती है और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो लिखेंगे शी के साथ विल, शी विल हैव वीन, लिखेंगे गेटिंग, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया गेटिंग, शी विल हैव वीन गेटिंग ट्रीटमेंट फॉर 6 months बाय द एंड ऑफ द वीक। ओके ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हम सेंटेंस। नेक्स्ट है द बॉय डैश द माउंटेन टॉप बिफोर एनीवन एल्स कुड रीच देयर। ठीक है, तो बनाना है पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लिखेंगे द बॉय हैड रीच्ड, reached, रीच्ड, द बॉय हैड रीच्ड द माउंटेन टॉप बिफोर एनीवन एल्स कुड रीच देयर। ओके ये हो गया हमारा सेकेंड। नेक्स्ट है दया डैश इल फॉर ए मंथ, अभी से बनाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड वीन, क्या होती है, हैड वीन और ing फॉर्म आती है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हैड वीन, इसमें वर्ब नहीं आएगी, इसको ऐसे बनाएंगे दया हैड वीन इल फॉर ए मंथ। ठीक है, नेक्स्ट है द रोड्स डैश बाय द नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर परफेक्ट में बनाना है, तो फ्यूचर परफेक्ट की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, विल हैव और थर्ड फॉर्म होती है ना वर्ब की, तो लिखेंगे द रोड्स विल हैव कंस्ट्रक्टेड CONSTRUCTED कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए ऊपर लिखना पड़ रहा है, आप ज़रा ध्यान से लिखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आई डैश इन दिस सिटी फॉर 20 years, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव बीन, आई के साथ हैव बीन, आई हैव बीन लिविंग LIVING लिविंग इन दिस सिटी फॉर 20 years। ओके नेक्स्ट है सान डैश फॉर डेली टू नाइट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर आते हैं, तो सान के लिए लिखेंगे इज लीविंग LEAVING लीविंग। ठीक है, लीविंग फॉर डेली टू नाइट। ओके नेक्स्ट है सी डैश ऑल द गिफ्ट्स टुडे, ठीक है सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है तो लिख देंगे शी गेट्स, इसमें एस या ई एस आता है ना प्रेजेंट कंटिन्यू प्रेजेंट इंडेफिनेट में या सिंपल प्रेजेंट में, तो शी के साथ तो एस या ई एस लगता है क्योंकि सिंगुलर है, अगर यहाँ प्लूरल होता तो हम गेट लिखते हैं लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है तो गेट्स लिखेंगे, गेट्स ऑल द गिफ्ट्स टुडे। आई डैश ए लॉन्ग करियर इन टीचिंग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है आई के साथ हैव आता है, आई हैव और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, आई हैव स्पेंट अ लॉन्ग करियर इन टीचिंग। ओके स्टूडेंट्स, आगे की एक्सरसाइज करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक यू।